कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम मूवमेंट देख सकते हैं। देखिए आज की सेलिंग बड़ी थी और आज की सेलिंग हमको निफ्टी बैंक से ज़्यादा निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिली। अब निफ्टी में देखिए क्यों ज़्यादा देखने को मिली, सबसे पहले अगर तो मैं बात करूँ तो आपका ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन था, और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो जो आपका रिलायंस था तो रिलायंस में बहुत ज़्यादा हमको सेलिंग आज के दिन देखने वाली। अब यहाँ पे देखो जो हमने कुछ समय पहले एक हैनस होल्डर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि यहाँ पे देखिए एक हैनस होल्डर पैटर्न हमने यहाँ पे देखा था जो कि इस प्राइस में हमारा काम करते हुए दिखाई दे रहा था, और वहाँ से एक शार्प सेलिंग भी हमको देखने वाली। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक हैनस होल्डर का यहाँ पर एक हमको ब्रेक डाउन देखने वाला था जो कि हमारा प्राइस था 24,800 का, ठीक है, 24,800 का ये प्राइस था। और वहाँ से अगर हम बात करें तो कंटिन्यू इस जगह सेलिंग देखने वाली। अभी हम इस जगह देखें 23,995 के समथिंग हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाए हैं। अब देखिए यहाँ पे समझो कि अभी जब मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, अगर एक प्राइस को ब्रेक करता है हमको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि 24,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, निफ्टी अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप सीधे इसमें जाते हुए दिखाई दे सकते हो जो कि आपका 23,800, ठीक है। और आज के दिन आपने देखा होगा कि इसका जो सपोर्ट था वो 23,800 के समथिंग ही हमको देखने को मिला, ठीक है, ये एक तो आपका ये लेवल देखने वाला। अब यहाँ पे देखिए एक और प्राइस पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ मूविंग एयरवेज आपको दिखाई दे रहा है, और आगे मैं वीडियो में मैं आपको देखिए एक जगह बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, और अभी हम निफ्टी के बारे में बात करें, साथ ही साथ में जो आपका FIS का डेटा था उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। और आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया तो कुछ लाइनें हमको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये वाला जो आप पीला वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा देखिए 200 मूविंग एयरवेज है, फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा होगा ये आपका देखिए 50 मूविंग एयरवेज है, यहाँ पर एक रेड लाइन और दिखाई दे रहा होगा ये आपका 100 मूविंग एयरवेज है, और फिर आपका ये नीचे वाला जो लाइन है ये अगर आप देखो तो ये 200 मूविंग एयरवेज है। हर मूविंग एयरवेज की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, तो अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इसने 20 मूविंग एयरवेज को ब्रेक किया, ऊपर से 50 मूविंग एयरवेज को भी ब्रेक किया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जे वाला जो लेवल था देखिए हमारा जो 100 मूविंग एयरवेज वाला उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। अब नीचे हमारे पास कहाँ पर सपोर्ट है तो जो आपका 23,450 का सपोर्ट है वो एक हमको यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये यहाँ तक आ सकता है तो उसको अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ आज का पैटर्न किस तरीके का था। तो आज के पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना भी इसमें जो सेलिंग हमको देखने वाला था वो इसी प्राइस में देखने वाला था, इसने इसको ब्रेक डाउन किया सबसे पहले, ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था कि 24,000 आपका 100 को अगर ब्रेक करता तो अच्छा खासा सेलिंग हमको देखने वालेगा। लेकिन लास्ट में अगर आप देखो तो लास्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न हमको देखने वाला जिसको मैं बोलता हूँ W पैटर्न, ठीक है, नीचे की साइड एक डबल पैटर्न भी हमको देखने वाला, वहाँ से हमको एक रिकवरी भी इसमें दिखाई दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे हम क्लोजिंग कहाँ पे देने में कामयाब हुए जो कि हमारा देखिए जो 24,000 वाला जो प्राइस था उसके आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, उसके आसपास क्लोजिंग दिया है। और ऊपर की साइड अब जो हमारा पहले सपोर्ट का लेवल था, ये हमारा क्या था, पहले सपोर्ट का लेवल था, तो अब ये हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर एक और लेवल है जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है आपका 24,200 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो 200 मूविंग एवरेज वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है कि अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या आपको ऊपर की साइड आपका मिलता है तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा जो कि 24,200 के समथिंग है, ठीक है। नया सेलिंग हमको कैसे देखने को मिल सकता है, तो नए सेलिंग के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे अभी जब मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाया था
कि जो आपका ग्रीन वाला जो है, आपका देखिए यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रहा है, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर ये इस लाइन के आसपास आ रहा है या इस लाइन के आसपास आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, यहाँ पे हम सेलिंग का एक प्लान बना सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप देखो तो पीछे भी देखिए इसका हिस्ट्री अगर आप देखो तो बिल्कुल वैसा ही होता वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नए सेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो देखिए अपना जो हाई था इसका, उस हाई से अभी तक यानी आज के दिन इसमें 10% की सेलिंग आ चुकी है। जब मैंने आपको एक वीडियो अभी पब्लिश किया था मैंने हाल ही में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने लाइफ हाई से आपका निफ्टी कम से कम 10% का करेक्शन देता है 1 ईयर में। ठीक है, तो आज के दिन वो आपका 10% का करेक्शन हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई था टॉप वाला, वहाँ से अभी तक हम इसमें 10% के करेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें अगर नई सेलिंग आना है या हमको नया लो बनाना है, तो इसको अपना 23,800 वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर जो इस लेवल को ब्रेक करता है 23,800 के लेवल को, तो फिर हम ये समझ के चलिए फिर आप 23 है इसमें देखिए, फिर आपको जो नीचे की साइड देखने बोलेगा वो 23,400 का एक प्राइस हमको दिखाई देगा। अब एक सवाल और आता है कि बाज़ार इसमें गिर क्यों रहा है, बाज़ार में सेलिंग आ क्यों रही है। तो अभी जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको बोला था कि अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका में जो चुनाव है वो कल के दिन अमेरिका में चुनाव है। ठीक है, 5 नवंबर को, 5 नवंबर को चुनाव है, और अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं वो आप इस तरीके से बोलिए कि बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन चुनाव होने वाले हैं। और इसमें अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा सरकार इसी की बनने वाली है। और जब सरकार बनती है किसी की भी, तो उसमें कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि किसी कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को इस सरकार से अच्छा बेनिफिट मिलता है और कुछ कंपनियों को उस सरकार से बेनिफिट अच्छा मिलता है। तो अगर सरकार को बेनिफिट अदर अदर कंपनियों से मिलेगा तो वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब की बार जो वहाँ पे सरकार बनी है उनकी सोच भी अलग है, किसी की अलग सोच होती है डेवलप करने की, किसी की अलग सोच होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से देखिए अभी हुआ क्या था कि इंडिया के मार्केट में से कितना पैसा निकला था, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का। देखिए यहाँ पर अभी तक हमारे यहाँ से FIIs ने सेलिंग किया, तो अभी तक बात क्या चल रहा था कि FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा हुआ है कि भाई बहुत सारे जो कंपनियों के रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आया, इसलिए बाज़ार नीचे की साइड जा रहा है और इसलिए FIIs इसमें से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें समझ में आ रही है कि वहाँ पर चुनाव थे, और चुनाव के वजह से अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही थी जो कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि FIIs अमेरिका के, और अमेरिका में जब इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो वो अपने घर में पैसा लगाने से अच्छा है कि दूसरे घर में भी पैसा ना लगाए। ठीक है, वो सेफ कहाँ पे है, वो अपनी कंपनियों को सबसे ज़्यादा जानते कहाँ पे है, वही अमेरिका में। तो जो पूरा जो पैसा गया वो उसी जगह गया, और इंडिया के अंदर अभी तक ये बात की जा रही थी कि भाई रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू पर चलते हुए दिखाई दे रही, तो इसलिए इन्होंने माल बेचा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये माल क्यों बेच रहा था। और यहाँ पे अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 23,800 वाले लेवल को अगर हम इसमें ब्रेक कर देते तो फिर सीधे हम इसमें देखें 400 से लेके 500 पॉइंटों का एक और करेक्शन हम इसमें देख के चल सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है, क्या ये अभी तक गिरता ही रहेगा या हमको एक बाउंस बैक भी देखने बोलेगा। तो बाउंस बैक देखिए कहाँ से देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक आपको दिखाई देगा कि जो आपका देखिए बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उस पहाड़ टाइप का देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो लगातार देखिए यहाँ से सेलिंग आए, और ये पूरा देखिए पूरा जो लेवल है वो यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर क्या एक सपोर्ट है यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे, और ये सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो सितंबर से पहले का देखिए सपोर्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या सितंबर के आसपास ये हमको लो एक जगह देखने को मिला था। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए इतने समय बाद ये हमको फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक हमारा बेस बन चुका है। अगर हम 23,800 की बात करें, एक बेस बन चुका है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इस जगह के जो SL है वो SL हिट होंगे और थोड़ा और नीचे जा सकता है। अब हमको तेज़ी कब देखने को मिलेगा, तो आप ये समझो कि जब तक ये आपका 24,250 इसके ऊपर ट्रेड होना नहीं चालू करेगा,
जब तक हम तेज़ी के बारे में बात नहीं करेंगे। कम से कम इस वाले हाई को इसको ब्रेक करने दीजिए, जो इसका जो हाई है इस हाई को ब्रेक करने दीजिए। जब इसमें देखें कुछ हम सोच सकते हैं कि आपके FIA जो इस जगह सेलिंग कर रहे थे वो वापस आ चुके हैं, FIA का डेटा अगर अच्छा आता है या इसके ऊपर बाइंग हमको देखे सस्टेन करना चालू हो जाता है निफ्टी, तो हम एक अपसाइड का मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है। अगर मैं बात करूं तो अपने हाई से देखें बैंक निफ्टी में करेक्शन आया है, लेकिन इतना ज़्यादा हमको नहीं देखने वाला। अगर मैं करेक्शन की बात करता हूं तो इसमें देखिए हम करेक्शन देख लेते हैं कि अभी तक हमको कितना नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मैं यहां पे अगर मैंने शॉर्ट किया होता इस लेवल से, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसने देखिए अभी तक करेक्शन है, यानी अभी की हम इसमें क्लोजिंग ले लेते हैं 6% के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका लो तक अगर हम आते हैं तो लो तक देखिए ऑलमोस्ट आपको 8% के आसपास हमको देखने मिलता है। अभी हम इसमें देखिए बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हम अभी तक होल्ड कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस लेवल को अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो फिर इसमें भी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसका एक प्राइस है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा 50,800 का, ठीक है। 50,800 का एक ऐसा लेवल है यहाँ पे हम अभी होल्ड कर पा रहे हैं। और अब आज हमने जो क्लोजिंग किया वो 51,200 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हो कई बार देखिए एक बाउंस बैक हमको देखने वाला। अगर देखिए निफ्टी सपोर्ट देता ना तो बैंक निफ्टी तो देखिए ऑलमोस्ट आप इस जगह समझिए कि वो निफ्टी के साथ ही देखिए ऊपर की साइड निकल जाता है। तो हमारे लिए एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है, जब भी हम कुछ किसके बारे में देखिए सोच सकते हैं नया सेलिंग के आसपास। बाकी यहाँ पे देखिए हम थोड़ा इसमें सपोर्ट के आसपास एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर देखिए मैं आपको लेके आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि आज का जो मोमेंट था ना वो ज़्यादातर 5 मिनट के चार्ट पर था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो शुरुआत में बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला, वही देखिए 200 मोमेंट का रिवर्स था जो मैंने आपको समझाया। आपको जो सेलिंग देखने बोला वो ऑलमोस्ट देखिए 10 बजे और 10 बजे से लेके जो आपका देखिए 11-12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग देखने वाला। उसके बाद देखिए एक रिकवरी हमको दिखाई दी। अब इसमें देखिए क्या होता है कि कई बार देखिए 12 बजे के आसपास जो आपके FIAs है वो भी देखिए कहीं ना कहीं आपके बाज़ार के अंदर एंटर होते हैं, तो वो भी चीज़ हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डेटा कैसे आया है। अगर हम इसमें पॉजिटिव साइज की सोचते हैं तो इसको देखिए 51,300 ये एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर देखिए सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर देखिए सस्टेन करता है बाजार, इसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे अगर ये गैप के साथ भी ओपन हो जाता है ना, और गैप के साथ ओपन होने पे अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है इस वाले प्राइस के ऊपर या इसके ऊपर निकलता है, तो हम इसमें थोड़ा एक अपसाइड देख सकते हैं, जिसमें अगर 200 से लेके इस जगह देखिए 500 पॉइंटों का एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। और जिसमें फिर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो देखिए इस जगह 51,500 के आसपास का एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 51,500 से लेके 51,600, यानी यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, जिस जोन में देखिए हम कहीं ना कहीं एक सप्लाई भी दिखाई दे सकती है। अगर इसी जोन के आसपास अगर ये आता है, थोड़ा समय बिताता है, समय बिताने के बाद फिर ऊपर की साइड निकलता है, जब हम एक थोड़ा सोचेंगे कि भाई ठीक है अप साइड निकल सकता है। बाकी यहाँ पे एक सप्लाई जोन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा कोशिश रहना है कि भाई हाल ओपन होते ही आपको बाज़ार में एंटर नहीं करना है, थोड़ा देखना है समझना है। अब नया सेलिंग कैसे आ सकता है, तो देखिए नए सेलिंग के लिए थोड़ा आज का जो लो है 51,100 इस पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और पहले चार्ट को आप देखिए पहले के ट्रेंड कैसे थे, तो पहले का देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसी प्राइस के आसपास ये क्या करता था, इसी प्राइस के आसपास ये समय बिताता था। और यहाँ पे देखिए इसने एक अच्छा खासा समय बिताया और समय बिताने के बाद देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, फिर एक बाउंस बैक दे देता है, ठीक है। इसके फिर यहाँ पे आते हैं तो इसी जगह पे देखिए ये आपका समय बिताता था और समय बिताने के बाद देखिए एक बाउंस बैक देता था। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो थोड़ा समय बिताया 2 कैंडल का और फिर यहाँ से बाउंस बैक दे दिया। अब यहाँ पे हमको ये देखना है क्या ये अब इसी जगह ये अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, यहाँ पे समय बिताता है, या अब की बार ये इसको ब्रेक कर देता है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अब की बार ब्रेक करने वाला है, तो इसको आप देखिए 51,100 अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है या इसी के नीचे जो आपका ट्रेड हो रहा है, इसी के नीचे ट्रेड हो रहा है,
ये इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है, ठीक है, इसी के नीचे टेरेट हो रहा है, समय बिता रहा है, समय बिता रहा है। और समय बिताते बिताते 30 से लेकर 40 मिनट हो गया, ठीक है, या ओपनिंग ही इसके नीचे दे दी। तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आप ये समझिए कि जो आपका ये वाला जो लो है, देखिए यहाँ तक जो आपका लो है, इस लो तक जा सकता है। लेकिन उसके पहले एक हमारा मेजर सपोर्ट है जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपका नीचे आता है, 50,800। अगर ये आपका देखिए 50,100 को ब्रेक करता है तो 50,800, और फिर 50,800 से सीधे आपका देखिए इस जगह 50,400 तक हम नीचे की छाई जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।